What's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs, I hope you all are good. We just एक vlog खत्म हुआ है, वो render कर रहा हूँ और पार्टी भी just खत्म हुई है, सब लोग घर को निकल रहे, तो अभी ग्रुप सेल्फी चल रही है, तो मैं जल्दी से नए vlog का intro करके आता हूँ, फिर मैं भी आता हूँ फोटो खिंचाने। चलो सब अपने अपने घर, पार्टी खत्म, bye, see you some other day. बात वैसे मानने वाली है, सुबह मेरा पेपर है ना, अभी तक मैंने डिनर किया है, पार्टी खत्म हो चुकी है, तो मैं जल्दी से खा के सोता हूँ। अपलोड हो चुका है व्लॉग, शेड्यूल कर दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठा हूं थोड़ी देर पहले, मेरा एग्जाम है अभी और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी राइट पेपर हैज बीन कंप्लीटेड, आज घर से दिया, पैर में बहुत दर्द हो रहा था, हाथ में भी। तो आज है ब्रेकफास्ट में चाय और पास्ता। कल रात में ना पार्टी में डांस करके ना गलती कर दी, उसके चक्कर में पैर में दर्द हो गया, कोई ना वो तो सही हो जाएगा, लेकिन ये हाथ का दर्द बढ़ ही जा रहा है, बाइसेप में और हो जा रहा है। राइट हैंड का सही हो गया बट लेफ्ट हैंड का नहीं हो रहा, I don't know why. Hey Siri, how's the weather outside? It's currently hazy and 32 degrees. Although बारिश के expectation है क्योंकि काले बादल आ चुके हैं बाहर, but क्या पता हो भी जाए ना भी हो, मैं तो चाहता हूँ ना हो, क्योंकि मेरे को आज basketball खेलने का बहुत मन है और आज से मेरे को start करना है, तो मैं तो चाहता हूँ ना हो, but बारिश देवता के ऊपर, अगर उनका मन करेगा वो बरस जाएंगे, नहीं करेगा नहीं बरसेंगे ना। आजकल बॉडी वर्कआउट कर रही है, प्लस चीट पे चीट डाइट चली जा रही है, ऐसी मेरी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बट स्टिल लाइक मैं थोड़ा क्वांटिटी कम करके खाता था, बट अब क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई और जंक ज्यादा हो गया, तो मेरे को आज से तो basketball स्टार्ट करना ही है, तो वापस धीरे धीरे करके वापस फील्ड में आते रहेंगे। ब्रेकफास्ट हैज बीन डन, अब क्लासेस करने बैठते जल्दी से वरना मम्मा डांटेगी। उस दिन जो 1 मिलियन की खुशी में जो कांच टूटा ना, उसके चक्कर में मेरे को अभी तक ताने धन्ने को मिल रहे, कांच तोड़ दिया, वहां तक क्रैक गया यार उस रात, तो रात को तो पता भी नहीं चला इतना बड़ा क्रैक हुआ है। अभी दरवाजा टाइट होता तो मैंने एकदम से खींच के बंद किया और यहाँ आके स्लिप हो गया, तो ऐसे अंदर घुसा और यहाँ प्रेशर पड़ा तो एकदम से टूट गया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसमें मेरी कहीं गलती है ही नहीं, वो तो अपने आप स्लिप हुआ मेरे हाथ से, बट हाँ मैं भूल रहा हूँ, आई लिव इन इंडियन फैमिली, तो हाँ ताने सुनना तो हमारा फर्ज होता है। गुड मॉर्निंग। कभी कभी आपके मामले में भी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स कभी कभार आपको पानी रखने की परमिशन देते फ्रिज में, क्योंकि बहाना मिलता है कि गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि कुछ होना नहीं होता और गर्मी हो रही होती है। वेल मेरे साथ तो पहले होता था, अब नहीं होता, बट कभी कभी हो जाता है, लेकिन एमी के साथ रोज होता है, उसको ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, उसको सिर्फ दिन में 2 बार ठंडा पानी मिलता है और बाकी टाइम वो नॉर्मल पानी या मिक्स पानी पीती है। ऑल्दो यार शी इज अ किड, तो हाँ ऑब्वियसली उसका भी गला थोड़ा सेंसिटिव ही है। मैंने सुबह सुबह कैमरा पे स्विच किया और वापस मैंने फोन पे स्विच कर लिया, क्योंकि हाथ में दर्द होने लग गया। अब राइट आर्म में इतना दर्द नहीं जितना लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म में सीधा रखो तो भी है, ऐसे रखो तो भी, और अगर राइट को अगर फोल्ड करो तो फॉर अ मिली सेकंड पेन है बस। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है दर्द, तो उन्होंने कहा तू लेफ्ट हाथ के ऊपर प्रेशर डाल के तो चक्कर में तेरी मसल स्ट्रेस हो रही, तो मेरे को ये लग रहा है वही सीन है, कि मैं हाथ के ऊपर सो जाता हूँ ना, मेरी ये आदत है। आज हमने ब्रेकफास्ट अच्छा खासा जंक कर लिया है, ठीक है, अब शाम से नो जंक फूड, शाम तक जितना जंक खाना खा लेंगे, उसके बाद साइकिलिंग बास्केटबॉल रेगुलर चलेगा नॉन स्टॉप, एंड अगर कुछ टाइम बाद जिम वापस खोलते सोसाइटी में तो आई ट्राई टू गो टू जिम, बट उन चीजों में कभी व्लॉगिंग सैक्रिफाइस नहीं होगी, व्लॉग तो पूरे टाइम चलेगा, एंड अभी तो सिर्फ 13 दिन हुए व्लॉगिंग करते हो, अभी मेरे को 352 डेज और व्लॉगिंग करनी है, एंड द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग ऑन माय व्लॉग्स इज गुड। राइट नाउ आई एम ए मैच्योर एट व्लॉगिंग, आई नीड टू बी मैच्योर पर्सन इन व्लॉगिंग, होप यू गाइस गॉट माय पॉइंट। दो मैं पापा से डीजे की कंबल की बात कर रहा था, सब दिखाया बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा चलो 1000 सब्सक्राइबर्स विद द लादन, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड आई कैन टेक गुड सिनेमैटिक शॉट्स, आई कैन टेक गुड सिनेमैटिक शॉट्स, बट थोड़ा स्टेबिलिटी जो गिम्बल में मिल जाता है ना वो हैंड में ही मिलता है, हैंड में हल्का हल्का वॉबल ऐसे होता है, तो गिम्बल भी आपके हाथ में ही होता है और वो आपके हाथ के ऊपर ही डिपेंड होता है कि कितना वॉबल होगा कितना नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट रहता है गिम्बल पे, वो स्टेबल रख लेता है। चाहे तो मेरा बार बार कैमरा वॉबल हो, मेरा हैंड वॉबल हो और फिर ऐसे पूरी फुटेज बिगड़ जाए, बट कोई ना थोड़ा सा सह लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें भी अपना गेम पक्का कर लेंगे। हाँ जानी मान जा, ये मम्मा को बता दूंगा। टू वन मैं पूछता हूँ करने के लिए तो वो नहीं करते हो, जब मैं नहीं पूछता हूँ, जब मैं बोलता बंद करे तो वो करती है। यार ठीक है, क्या चोरी कर रही हो, क्या चोरी कर रही हो, क्या चोरी करने गई थी फ्रिज से? भोली मत बनो, बताओ चश्मा, फ्रिज में चश्मा होता है, भोली मत बनो, सच बताओ। स्किन केयर रूटीन डन, अब यहाँ अब एडिटिंग करने बैठते हैं और एडिट करके जल्दी से हेड केयर करते और फिर ट्यूशन के लिए निकलते हैं, जल्दी जल्दी एडिटिंग करके मेरे को जाना भी है। एडिटिंग करते करते टाइम कैसे बीत जाता पता नहीं चलता और ये भी नहीं पता चलता आसपास क्या हो रहा है। मेरे लिए खाना लाई थी तो अभी मैं पीछे मुड़ा हाथ स्ट्रेच करने के लिए और मैंने पीछे देखा खाना पड़ा, मेरे को पता नहीं चला दीदी
खाना रखी हुई है इतनी देर से? यार मौसम अच्छा है तो प्लेजेंट हो रहा है, बढ़िया हवा ही चल रही है। तो मैं ट्यूशन के लिए निकला हूँ, लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं एक्चुअली। मेरा मन कर रहा है थोड़ा बास्केटबॉल खेलने का, बट मैं आगे खेलूंगा। अब तो पब्लिक व्लॉगिंग में भी कॉन्फिडेंस बढ़े जा रहा है, अब तो मेरे को कोई फेयर नहीं है कि अब कोई भी हमको अपना व्लॉग करना, हमारा यही है। आउटडोर व्लॉगिंग बहुत ज्यादा ही होगी, डालने को मैं सिनेमैटिक्स बहुत डाल सकता हूँ, मेरे पास सिनेमैटिक्स भर के रहते हैं, बट मन नहीं करता ना। एक बार को कभी मन नहीं हुआ किसी व्लॉग में सिनेमैटिक डालने का तो मैं नहीं डालूंगा। इंटरेस्टिंग और इंटरक्टिव व्लॉग रहा, मैं भी ईयरबड्स पहन के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने साउंड कैंसिलेशन ऑन कर रखी ना इनकी, तो मेरे को आसपास कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं बोले जा रहा हूँ तो इससे मेरे को थोड़ा हेल्प और मिल रही है। यार आई विश ना मेरी सोसाइटी के लिफ्ट में ना मिरर होता तो अच्छे खास मिरर शॉट आता, अगर बैक साइड कहीं भी मिरर होता तो। कैमरा की स्टेबिलिटी में ओके ओके लग रही होगी, धीरे धीरे करके हाथ स्टेबल हो रहा है, यूज टू हो रहा है, थोड़ा और टाइम तो अपना एकदम परफेक्ट जब हाथ हो जाएगा तब आपको बिल्कुल मूवमेंट दिखेगी, जो हल्की फुल्की अभी भी दिख रही है। जब मैंने ट्यूशन में जाके टाइम लैप्स लगाया तो पूरे काले बादल ही थे। अब नीचे आके देखे तो काले बादल दिख ही नहीं रहे, एकदम साफ हो गए। मेरे को लगा बारिश होगी, ठंडी हवा तो अभी भी चल रही है, बट लेट्स होप बारिश हो जाए, क्योंकि मेरा बास्केटबॉल खेलने का प्लान बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो मेरे को बास्केटबॉल खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे लेफ्ट आर्म के इस एरिया में एक अच्छा खासा नील पड़ चुका है, उस चक्कर में मेरे को इतने दिनों से दर्द हो रहा है। अब वो नील कैसे पड़ा वो मेरे को नहीं पता, आई गेस मेरे को दो तीन दिन एसी में सोना नहीं है, तो दो तीन दिन मैं एसी चलाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, वरना ये और दर्द करता रहेगा। तो अभी आउटडोर शूट करने का मन हो रहा है तो मैंने बाहर आके थोड़ी रील्स बना ली। अब मैं घर जाऊंगा क्योंकि बास्केटबॉल तो खेल नहीं सकते, तो बैडमिंटन खेलूंगा। खेलने में मेरे को बैडमिंटन तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, बास्केटबॉल तो दोनों हाथों से खेलने। अब कुछ दिन के लिए और बास्केटबॉल नहीं खेल पाएंगे, चलो पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही नहीं खेल पाएंगे, बट कोई ना। बट यार मैं ये चाहता हूँ जल्दी से चीज ठीक हो हाथ की और मैं जल्दी से बास्केटबॉल खेलने जाऊँ। मेरा बहुत टाइम से मन क्लोज टू क्लाउड टाइम लैप्स लेने का, जो आज मैंने ले भी लिया। एक्चुअली मेरी ट्यूशन जहाँ होती है ना वो 22nd फ्लोर पे, इसलिए मेरे को वहां से थोड़ा बेनिफिट मिल गया। मैं भी बैडमिंटन कोर्ट के बाहर आके इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अंदर जाऊंगा तो अंदर बहुत नॉइज है, और अभी फाइनल्स चल रहा है, जब मेरी चांस आएगी तो मैं इसको टाइम लैप्स पे डालूंगा। जैसे बेकार का बेकार मैच बोलते ना, वैसा मैच अभी मेरा गया। और मेरे को एक बार को लगा जो मैंने रिकॉर्डिंग में टाइम लैप्स के लिए डाला था वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, वो तो बाद में आके चेक किया, वो 12 मिनट में अपना रिकॉर्डिंग बंद हो गई, पता नहीं क्यों। इसके ऊपर अभी मैंने एक पास आउट टेक्निक ट्राई करी और वो सक्सेसफुल हो गई बाय चांस। आज के दिन अच्छा था, ज्यादा बुरा भी नहीं था, बट हाथ का दर्द अब धीरे धीरे करके कम हुआ है। ऑल्दो मैंने आज ज्यादा बैडमिंटन नहीं खेला, अभी जल्दी से घर जाके पानी पीऊंगा क्योंकि हाइड्रेटेड रहने जैसे पिंपल्स खत्म हो। मेरे को भी बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं इस व्लॉग को यही एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करके जाना अगर मन करे तो। दिस इज वी बॉय के वंश साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग याद से देख लेना, बाय। और हम वी बॉय के व्लॉग में आ चुके हैं, वी बॉय का व्लॉग हो चुका है।